हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम अग्रवाल, मैं कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूं और मैं प्रिस्टीन हेल्थ केयर के लिए मेडिकल ऑपरेशंस और मेडिकल सर्विसेज को हेड करता हूं। कोविड के चलते अब तकरीबन 5 से 6 महीने हो चुके हैं। इस 4.0 डिक्लेयर होने के बाद से अब कितने समय से हम वेट कर रहे थे कि मेट्रो खुल जाएगी, कहीं पे स्कूल्स में भी धीरे धीरे स्टूडेंट्स का जाना शुरू हो जाएगा, 9th से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से इंटरेक्ट कर पाएंगे, जो सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, जो सामाजिक हमारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे भी 50 की जगह अब तकरीबन 100 लोग एक बारी में इकट्ठे हो पाएंगे। पर मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मिलें, जब भी बाहर जाएं, अपने घर के बाहर कदम रखें, तो कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मास्क के बिना आप घर से बाहर बिल्कुल कदम ना रखें और अपने साथ एक सैनिटाइज़र लेके चलें तथा बार बार जब भी मौका मिले अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए हर बार ही धोएं। दोस्तों, आप लोगों ने नोट किया होगा कि पिछले 5 से 6 महीनों में एक तरह का डर समा गया था सब में कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे या अस्पताल जाएंगे तो उनको कोविड हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोविड के मरीज़ हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्रिस्टीन केयर में हम इस सिचुएशन का बहुत बारीकी से ख्याल रखते हैं। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, बकायदा उनका रेगुलर प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के हिसाब से इलाज होता है। अगर कोई मरीज़ कोविड से ग्रस्त है, उसे नॉन कोविड या जिसको कोविड नहीं है मरीज़, उसके साथ मिक्स नहीं किया जाता, उसके साथ नहीं मिलाया जाता। हम इंश्योर करते हैं कि आपकी तकलीफ़ें, जैसे आपके पित्त में पत्थर होना या आपके किडनी में कहीं पत्थर का होना या कोई भी और ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो या प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ हों, हम उनको अच्छे के अच्छे तरीके से उसको हम पूरा कर सकें और आपके स्वस्थ होने में आपकी मदद कर सकें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब कभी भी आपको कोई तकलीफ़ हो आपके शरीर से लेके आपकी स्वास्थ्य को लेके, तो आप प्रिस्टीन केयर को अवश्य चुनें। हम आपकी मदद करने को तत्पर हैं। नमस्कार।